रूल्स इत्यादि, मतलब बहुत कहीं ना कहीं फंसा देंगे भर्ती को, और उससे अंत में किसका नुकसान है। मान लो कोई व्यक्ति 2016 18 19 से वेट कर रहा है, तो 26 24 तक क्या उसकी एज नहीं निकली है? तो ऐसे अगर 5-6 साल और बचोगे तो फिर क्या ही नौकरी करोगे 15-20 साल की, जब आगे जाके 35-40 की साल में नौकरी मिली, 50-55-60 में जाके रिटायरी हो जाना है। तो एक चीज ये सोचो, इसमें किसका नुकसान है? किसी भी पार्टी के हो आप, विरोधी पार्टी हो, पक्ष हो, अब अपना खुद का देखो कि एक बार एक अभ्यर्थी के तौर पर आपका क्या होना चाहिए था। क्या समय से वैकेंसी नहीं आनी चाहिए थी? क्या सालाना वैकेंसी नहीं आनी चाहिए थी? कुछ नहीं आती। तो हम साथी इसी के लिए एक मांग उठाना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी में सुधार, 180 दिन में भर्ती पूरी हो। नहीं होता तो साथी इसका कुछ होना चाहिए, या तो आप बेरोजगारी भत्ता दो, कुछ, कैसे बच्चे अपना काम चलाएं, कब तक माँ बाप पर बोझ रहे, कोई सुनेगा तुम्हारी? ऐसे सरकार के पास रिसोर्स नहीं है, बहुत रिसोर्स है, ईमानदारी से काम करे, एक एक चीज को इतना रिसोर्स है कि सब चल जाए। या तो यह पेट नामक व्यवस्था समाप्त की जाए, या फिर एक न्यूनतम कट ऑफ, उसमें भी साथी क्लियर पता हो कि भाई ये जो वार्षिक भर्ती आने वाली, इससे आएंगी तो सब लोग पेट जरूर दें। अब पेट हो जाता है, पता नहीं होती कौन सी वैकेंसी आएंगी, आधे बच्चे बैठते आधे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते आधे? क्योंकि पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई, तो उनका भी मन नहीं मानता कि क्या ही करेंगे इसको देकर। फिर इसका कोई भी जिस भी कारण से लाया गया था, इसका कोई कारण सक्सेसफुल नहीं हुआ, ना भर्तियां टाइम से हुई, ना रिजल्ट समय से आए, ना कोई कैलेंडर हुआ। एक साथी वार्षिक कैलेंडर साल की शुरुआत में, इनमें से एक भी मांग अनुचित हो और मेरे साथ मतलब आप डिस्कशन कर लो, अवाद विवाद, इस पर कहीं भी कोई ऐसी चीज हो कि अनुचित है, किसी का नुकसान है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे पेट नहीं हटना चाहिए, बाकी चीजें ठीक है, ठीक है भाई मैं मान लेता हूं, न्यूनतम कट ऑफ हो जाओ, या ये बताओ कोई एक फायदा हुआ हो। कहोगे सर कम बच्चे होंगे तो उसमें चीटिंग नहीं होगी, कैसी बात करो, आरओ एआरओ में तो बहुत कम बच्चे थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 48 लाख, आरओ एआरओ में 9-10 लाख थे, फिर भी चीटिंग हुई, यूपीएसआई में भी बहुत कम थे उसमें चीटिंग हुई, सीएसआईआर एसओ एसओ में बहुत कम बच्चे थे उसमें चीटिंग हुई, केवीएस लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे थे उसमें चीटिंग हुई। तो चीटिंग का कम बच्चों से मतलब नहीं है, चीटिंग मतलब अब समझ लो सिस्टम वीक है, चीटिंग तब है, या तो आयोग के अधिकारी या कंपनी का, उनको अगर ढंग से शुरुआत से रोका जाए चीटिंग नहीं होगी, तो चीटिंग से भी कोई संबंध नहीं है। फिर एक वो बताओ, आप 1 जनवरी 2023 से, मान लेते हो 1 जनवरी 2024 से ये पेट 2023 लागू हुआ, तो लेकिन आप ऐसे तो सोचो पेट का रिजल्ट, पेट तो पिछले साल हुआ था और जब तक इसकी भर्ती आएगी तब तक तो 1-1.5 साल हो जाएंगे। क्या वो जो नए बच्चे आए हैं अब उनको ऐसा तो नहीं हर साल नौकरी मिलेगी? कम से कम 50% नए बच्चे जुड़ जाते हैं, अब उनको कहाँ जाएं? उनको हर साल नौकरी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो फिर 4 साल का इंतजार करेंगे। फिर वही टॉप क्लास कुछ बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर आता है, वही बार बार हर एक एग्जाम में देते रहेंगे, लेखपाल में भी देंगे, लोअर पीसीएस में भी देंगे, सब में। तो इसमें ना तो किसी का नुकसान है, केवल और केवल आप सभी का लाभ है कि आपको स्वतंत्रता पूर्वक, और ऐसा पहले भी भर्तियां हुई हैं, एसएससी भी ऐसे बिल्कुल क्रम से भर्तियां कराता है। एसएससी 2018 से जब से एसएससी ऑफिस के सामने एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी, एसएससी की भर्तियां टाइम से नहीं आने लगी, एसएससी भी भर्ती नहीं लाता था, बहुत घमंड था उसको भी। क्या एसएससी तक जब बात पहुंची कि अधिकारी गलत कर रहे हैं, तो क्या एसएससी की व्यवस्था हर साल की नहीं है? वो हर साल अपना कैलेंडर देते हैं, फॉर्म आते हैं, समय से भर्ती कराते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी है, तो क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? इसके लिए आप सभी लोगों ने कल बहुत सारी कमेंट की थी। इसमें हमारे दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि एक तो जो हमारा, हम लोग मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, सीएम साहब को, ठीक है भैया, चीफ मिनिस्टर को, और दूसरा जितने भी एमएलए एमपी एमएलसी हैं, जितने भी नए, चाहे वो सांसद चाहे वो विधायक, पक्ष के हो विपक्ष के हो, जो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचा पाए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। जरूरी है कि आप ग्रुप्स में जाएं 10-20 में, एक एक दो दो करके, डेट में आपको बता दूंगा, एक बार सभी अध्यापकों से बात हो जाए, बड़े बड़े छोटे छोटे लगभग सारे जितने भी अध्यापक हैं वो लगभग इसमें साथ हैं, कुछ नहीं है वो भी उम्मीद है कि किसी कारणवश नहीं होंगे या वो देख नहीं पा रहे होंगे मैसेज, जल्दी वो इस बात को समझेंगे कि पेट का या कोई न्यूनतम कट ऑफ कितनी जरूरी है। तो
तो बाकी है सारी, फिर भी आपसे एक बात कहूंगा कि आप सभी कम से कम कमेंट्स करके जरूर बताते रहना ऑफलाइन कि हाँ भैया ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसकी डेट निश्चित कर लेंगे, थोड़ी दोपहर वगैरह तो है तो आप थोड़ी अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो या शाम में देके जा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ गर्मी बहुत है, बाहर जाने में दिक्कत होगी, पर बच्चा आप 100-100, 1000 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, बारिश धूप सर्दी कैसा भी मौसम हो पेपर देने भी जाते हो ना, ये तो अपने जीवन की बात है। और भीख नहीं मांग रहे आप किसी से, समझे, हक है आपका, उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर हो आप लोग, इसी बात को लेकर सरकार चुनी है। गलत कुछ चीज नहीं मांग रहे, कोई फ्री चीज मांग रहे हो, कोई ये कह रहे हो कि जी हमें कुछ ऐसा, तो इसमें जो जो शामिल हो होना चाहिए एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, हम लोग सबसे बात करके सब वीडियोस बना देंगे जिससे कि आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप सभी लोग समय से इस काम को कर सकें। समय से पहुंचानी होगी ये बात मुख्यमंत्री जी तक, वो जरूर युवाओं की बात सुनते हैं, मैंने कई मौकों पर देखा है। अगर उन तक बात पहुंच गई और वो ट्विटर इत्यादि तरह नहीं चलाते तो उन तक ये इस तरीके से बात पहुंचाना तो मुश्किल है। देख लो एज की भी नहीं पूछी थी ना जब यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज की बात रखी थी, तो लोग क्या होते ना उनको तब भी बहुत सारे ने कहा था जी एज की बांग आप क्यों उठा रहे हो जाने दो रहे ओवर एज, क्योंकि वो गलत चीज थी, तब भी इसीलिए बात उठाई, उनको मौका ना मिलना गलत चीज थी, हमने उसके लिए विरोध किया कि नहीं बच्चों को मिलनी चाहिए। इसी तरह महसूस है कि पेट गलत चीज है तो इसके लिए कर रहे हैं। अब कहने वाले बहुत सारे कहेंगे जी इसमें आपका फायदा, ठीक है भाई ये भी सुन ले, पूरी दुनिया तो मुझसे पढ़ती है, पूरा भारत, और तो है ही नहीं, ये क्या है कि मैं तुम्हारी बात उठा लेता हूं थोड़ा पहले आके, बेवकूफ समझ लो या जैसा भी समझो, जो तुमने सौंपा है इसका थोड़ा सा तुम्ही लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फॉर्म तो तुम ही भरोगे ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे ही कोई ना कोई, चलो मान लो मैं 100-200 की चीज को कर भी लूंगा, ये तुम्हारे लिए तो जीवन भर का फायदा है ना। तो एक बार सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कौन कौन साथ हैं, हम लोग इसको लास्ट तक पहुंचा के रहेंगे इसका कुछ ना कुछ फाइनल। अभी सूर्य स्तर की हिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसे जरूर देखना, ऑफलाइन कमेंट्स का आपका वेट कर रहा हूं। सभी लोग जितने देखें जरूर कमेंट करना कि कौन कौन हम लोग पत्र पूरा सीएम साहब को पोस्ट के द्वारा पत्र भेजेंगे, पोस्ट भी क्या बोलते हैं उसे, कौन सी होती है वो स्पीड पोस्ट जो वहीं पहुंचे बिल्कुल मुख्यमंत्री कार्यालय में, और साथ में एमएलए एमपी को ज्ञापन, कम से कम 10,000-20,000, 30,000, 40,000 पोस्ट पहुंचेंगी तब जाके फायदा होगा, ठीक है बच्चा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।